अफाक, तुम जिस तरह से फराग दिली का मुजाहिरा करते हो, काश मैं भी वैसे कर सकती। तुम बहुत अच्छे हो। आफाक के साथ कौन है? जी ये दो बोतलें खून की कुछ मेडिसिन है, जल्दी से ले जाओ। सुने, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? माँ कोशिशों में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें इंशाल्लाह ताला सब बेहतर होगा। हेलो तुझ जैसे बेइत्तबार करने का यही नतीजा निकलना था। अच्छा बकवास अपनी बंद कर, इससे अच्छा था कि बस ठीक है ना, खैर छोड़ अब दफा कर, वो गांव वापस चला जा, जाके बकरियां संभाल अपने, जब जरूरत होगी तो बुला लूंगा। डॉक्टर साहब वो हम अफाक को घर कब ले जा सकते हैं? शाम तक इनकी छुट्टी हो जाएगी और एक दो दिन में इनकी पट्टियां भी खुल जाएंगी और वीकली चेकअप के लिए इनको आपको लाना होगा। ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल में हम बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, आफाक को यहाँ से रिलीज करवाना है ना, आप आइए मेरे साथ। देखो काफिया, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। What is wrong with you? I'm sorry but that's not possible. अच्छा तो प्लीज एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, सिर्फ 10 मिनट के लिए प्लीज। ठीक है मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। अफाक अफाक अफाक, सर में दर्द हो गया ये नाम सुन सुन के मेरे। देखो तुमने जो करना है फौरन डिसाइड करो, वरना 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 क्या? वरना ये कि इस मर्तबा तो वो बच गया है, अगली बार नहीं बचेगा। काफी है जी, यहां बैठिए एक मिनट प्लीज। काफी है जी, मैं जानता हूं कि आपको बहुत परेशानी होती होगी, लेकिन हकीकत से हम कब तक मुंह छुपा सकते? वो बात दरअसल ये क्या, आप शायद मुरव्वत में नहीं कह पा रही हैं, लेकिन ये तो तय था शुरू से ही कि हम सिर्फ आर्जी तौर पर एक दूसरे के साथ रहे। शायद अब वो वक्त खत्म हो गया है। फरुख भी बहुत परेशान हो रहा है आपके लिए, शायद इसीलिए बहुत ज्यादा जोर दे। काफी अच्छी तरह हम दोस्त हैं और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा क्या आपको कहीं पर भी किसी भी किस्म की शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं सब कुछ अपने सर ले लूंगा, मैं कह दूंगा कि आप मुझे नहीं पसंद और मैं कुछ भी कह दूंगा, मैं सब फेस कर लूंगा। लेकिन अफाक नहीं, काफी अच्छी नहीं, लेकिन नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखिए आप वापस जाएं प्लीज, आप
आप लौट जाएं, ये ना हो कहीं बहुत देर हो जाए, आप वापस लौट जाएं, अपनी मंजिल की तरफ चली जाएं। लेकिन आफाक मेरी असल मंजिल नहीं है, मैं तो अपना रास्ता भटककर उस तरफ चल पड़ी थी। मेरी असल मंजिल तो तुम हो, जिसके बारे में मैंने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं, और शायद इसीलिए मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं। हाँ, और ये ठोकरें खाने के बाद ही तो मुझे एहसास हुआ कि असल मोहब्बत क्या होती है। I'm so sorry, आफाक। आफाक, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आफाक, प्लीज मुझे छोड़ के मत चले जाना। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। प्लीज। शिबा ठीक कह रही थी कि मुझे शाइस्ता से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन वो मेरी मदद क्यों करेगी? वो तो फरुख का ही साथ देगी ना। पता नहीं क्या रिश्ता है उनके दरमियान, और हो सकता है कि वो दोनों मिलकर, लेकिन मुझे मुझे ट्राई जरूर करना चाहिए। हेलो। हेलो शाइस्ता जी, बोल रही हूँ। आप कौन? मैं काफिया बात कर रही हूँ। काफिया, मैं अक्सर सोचा करती थी कि ऐसे भी कोई दिन आएगा जब तुम मुझसे बात करोगी। देखो वो दिन आ गया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, बताओ कहाँ और कब मिलना है। मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं या तुम मेरी तरफ आ जाऊं? लेकिन प्लीज फारूक को मत बताना कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी या फिर तुम मुझसे मिली थी। हे, तुम फिक्र ना करो, ये तुम्हारी और मेरी बात है। फारूक बीच में कहां से आ गया? तो ठीक है, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास अभी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा किया तुम आ गए, वरना मैं ऐसा करने की सारी जिंदगी हिम्मत ना कर पाती। तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? शाइस्ता, फारूक ने मुझे धमकी दी है कि वह
आफा को कत्ल करवा देगा। अगर मैंने 3 दिन में आफाक से तलाक ना ली तो आफाक पे कातिलाना हमला भी उसी ने करवाया था। तुझ जैसे पे एतबार करने का यही नतीजा निकलना था। अच्छा बकवास अपनी बंद कर, इससे अच्छा था कि बस ठीक है ना, खैर छोड़ अब दफा कर, वो गांव वापस चला जा, जाके बकरियां संभाल अपनी। शायस्ता मुझे तो कोई भी और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो किसी की भी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर तुम कहोगी तो शायद मान जाए। प्लीज इस वक्त तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। शायस्ता प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मेरी मदद करो। इसमें आफाक का क्या कसूर है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है, प्लीज। फारूक ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, और क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? देखो तुम परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा, तुमने मुझे बता के अच्छा किया। शायद मैंने कुछ चीजों को समझने में बहुत देर कर दी। सब ठीक है ना काफिया जी? आप कहाँ चली गई थी, कुछ बताया भी नहीं? मैं डर गई थी आफाक, मैं डर गई थी क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हें पता है उसने धमकी दी है कि वो तुम्हें जान से मार डालेगा, तो इसीलिए मैं शायस्ता के पास चली गई थी। पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वही हमारी कोई मदद कर दे और उसे समझा दे। मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा मुझे, आप खामखा डर रही। और प्लीज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप किसी के पास जाकर रहम की भीख मांगे। काफिया जी आप मेरे साथ हो तो मैं दुनिया की हर ताकत से टकरा सकता हूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं कितनी बेवकूफ थी, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती रही, और तुम एक गिरे हुए इंसान हो, ये तुम्हें बहुत पहले से जानती थी, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। I'm very sorry, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे शख्स के लिए आफाक को नहीं छोड़ सकती, ये मुझसे नहीं होगा। छोड़ने का सवाल तो तब पैदा होगा जब वो जिंदा बचेगा। 3 दिन का वक्त दे रहा हूं तुम्हें मैं, 4th दिन का सूरज नहीं वो देख पाएगा, और तुम बड़ी अच्छी तरह से जानती हो जो मैं कहता हूं वही करता हूं। क्या बात, क्या हुआ, नाराज क्यों? मैं नाराज नहीं, मैं वापस जा रही हूं अपनी दुनिया में, जिस उम्मीद से। क्या बात है, क्या हुआ और किस बात पे नाराज हो तुम? नाराज मैं नाराज नहीं हूं, बस जिस उम्मीद से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां बैठी हुई थी वो उम्मीद टूट चुकी है। जो शख्स अपने मौसमों पर हमला कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम इतने भी भोले नहीं हो कि मेरा मतलब ना समझ सको।
तुमने अफाक पर हमला करवाया और अब तुम काफिया को धमकी दे रहे हो कि अगर उसने तलाक नहीं दी तो वो इस बार नहीं बच पाएगा। तुम इतने भी कर सकते हो फारुख? तुम कितने खुदगर्ज हो और अब हम भी तुम्हारा ये भयानक चेहरा और देर नहीं देख सकते। गफलत में जितना वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, मगर मैं और देर तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं और देर अपना वक्त नहीं जाया करना चाहती। लेकिन सुनो, मेरी बात तो सुनो प्लीज। खुदा हाफिज़। सुनो तो जाओ, चली जाओ, बल्कि सब चल जाओ यहां से। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। आई डोंट नीड एनीबडी। रह सकता हूं अकेला मैं। फहमी नहीं हुई है मुझे। तुम दोनों क्या समझते हो? तुम दोनों इस तरह हदें पार करते रहोगे और मैं बाहर तमाशाइयों की तरह बैठ कर तमाशा देखता रहूंगा? कि सोच इतनी गिर सकती है, इसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी गिर जाओगे कि मेरे होते हुए तुम क्या चाहते हैं आप? मुनासिब यही है कि हम दोनों महज़ब लोगों की तरह एक दूसरे को छोड़ दें। इतनी सी बात पर मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। I'm extremely sorry. Please, कोई तो रास्ता हो। जिस मोड़ पे आपने मुझे ला खड़ा किया है, वहां से कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक बंद गली है। एक ऐसी बंद गली जहां से ना तो वापस जाने का कोई रास्ता है, ना ही आगे बढ़ने का। आप चाहते मैं आफाक से शादी कर लूं और फिर उससे तलाक ले लूं ताकि मैं आपसे शादी कर सकूं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर जाएंगे। शर्म आ रही मुझे उस लम्हे पे जब मैं आपके बारे में सोच के यहाँ पे चली आई। आप तो इस काबिल भी नहीं रहे कि मैं आपसे कोई बात कर सकूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं कितनी बेवकूफ थी। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती रही और तुम? ओ माय गॉड, तुम एक गिरे हुए इंसान हो, ये तुम्हें बहुत पहले से जानती थी, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगे? आओ काफिया,
आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। एक तुम ही तो हो जो मेरे बारे में सोचती, और तो कोई भी नहीं। मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहूंगा। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, जो कहना है कह डालो। देखो फारूक, अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें खुदा की कोई ना कोई मसलियत थी, और आगे जो भी होगा वो खुदा की मर्जी से ही होगा। अब हमारे रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। रही बात तुम्हारी धमकी की, तो एक बात तुम कान खोल के सुनो। आफाक मेरा शौहर है और मुझे अपने शौहर और अपने होने वाले बच्चे से बेहद मोहब्बत है। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तुम मेरे लिए मर चुके हो। तुमने जो मेरे और आफाक के साथ किया है वो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, और इस बात के लिए मैं तुमसे नफरत करती हूं। हां, मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करती हूं। तुम आफाक को मार देना चाहते हो ना, तो सुन लो, आफाक को मारने से पहले तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, तुम जा सकती हो। इम्तियाज, तुम पूछ रहे थे कि कहानी का क्लाइमेक्स क्या है। मैंने सोच लिया, तुम शूटिंग की तैयारी करो, मुझे छोड़ तो नहीं देंगी ना? नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुमने सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, और तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारी नियत में कोई खोट नहीं थी, और तुम्हारी मोहब्बत जीत गई। और सच्ची बात तो यह है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है, और शायद किताबों में पढ़ी हुई मोहब्बत में अक्सर कमी रह जाती है, क्योंकि शायद मोहब्बत मुकम्मल तौर पे तहरीर में नहीं आ सकती। मोहब्बत इन तमाम चीजों से बालातर है। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हमें बहुत सारे काम करने हैं। कॉफी पियोगे?
मैं भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी गिर जाओ कि मेरे होते हुए तुम